छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सांसदों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इतने दिनों तक छत्तीसगढ़ के सांसदों से नहीं मिले, अब चुनाव आ रहा है तो मिल रहे हैं। दिनों तक छत्तीसगढ़ के सांसद से कभी मिले नहीं प्रधानमंत्री जी, अब चुनाव आ रहे हैं तो मिल रहे हैं। ये हालत बहुत खराब है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जब तक के रमन सिंह के रहेगा तब तक के ये ब्रिजमोहन और प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे, इन लोग केदार कश्यप की दाल गलने वाली नहीं है। संसद में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के सवाल पर कहा कि बीजेपी इंडिया के नाम पर परेशान है। जब से 26 दलों का गठबंधन हुआ है उसका नाम इंडिया दिया गया है। भारत में क्या है उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है। अरे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी, अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं, और भारत सरकार फिर भी वहाँ खदान के लिए लिस्टिंग किया था उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि ये जो लेबर के अंदर में जो खदानें आ रहे हैं उसे आवंटित न की जाए, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात हम लोगों ने कहा। और ये लिखित में है, एफिडेविट है, कोर्ट में दिया गया है। अब उसके बाद स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही है तो क्या करें।